मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन घूमने के लिए। ये हमारा सामान रेडी है, ये हमारे दो बैग हैं ले जाने के लिए और एक ये छोटा बैग भी है। मैं और जोशी जी जा रहे हैं, निकलते हैं हम 4 बजे की हमारी ट्रेन है CST से। थोड़ा लेट हो गए हैं हम भास्कर पहुंच चुका है आगरा में और हम लोग जा रहे हैं, कल हम पहुंचेंगे, उसके बाद हम जाएंगे मथुरा वृंदावन, सब घूम के आएंगे, दर्शन करके आएंगे। ये आ गई घर पर हमारी कैब, चलिए चलते हैं, मिलते हैं बीटी पहुंचने के बाद। भाग भाग के स्टेशन बहुत टेंशन में आ गए थे हम लोग, काफी लेट हो गए थे। फ्रीवे में काफ़ी जाम था, 15 मिनट हम फ्रीवे में फंस गए, घबराहट होने लगी थी कि ट्रेन छूट गई। गाड़ी भी लेट है, अभी आई है, गाड़ी शायद थोड़ा आज लेट है हमारी, बस पहुँच गए हम लोग, अभी कोई टेंशन नहीं। मेरे को लग रहा था वापस ही अभी खुले ही नहीं गाड़ी, कमोटे जाना पड़ेगा। अभी गाड़ी के दरवाजे खुले नहीं है, सभी वेट कर रहे हैं, हम भी पहुँच गए। हम लोग पहुँच गए, अभी गाड़ी अभी आज शायद लेट रही होगी। एक बार को हमारा मन हो गया था कि अब वापस इसी गाड़ी से ओला बुक करते हैं वापस और अपने घर पहुंचते हैं, और ओला बुक क्या करते जिसमें आए उसी में जाने की सोच रहे थे। दोस्तों ट्रेन हमारी निकल चुकी है CST से, आज थोड़ा ट्रेन लेट थी इसलिए हम बैठ गए हैं, नहीं तो हम शायद लेट ही हो गए थे वापस ही। हमको शायद शाम को 7 बजे पंजाब मेल का इंतजार करते हम फिर वाली ट्रेन में जाते अगर ये निकल गई होती है। किस्मत से ये आज 12 मिनट लेट है ये ट्रेन, 4:13 पर निकली है। CST से पहला स्टॉप कल्याण पहुंच गए हम, कल्याण पहला स्टॉप हुआ, यहाँ हमको चाय नाश्ता मिल गया है, अब हम आगे निकल गए हैं कल्याण से। रेड 3 मिनट रुकी बस, ये हमने कर दिया कल्याण क्रॉस, ये हमने घाट क्रॉस कर लिया है, ये है घाट कसारा घाट। ये आ गया है हमारा नानी का चाय नाश्ता, चाय अभी आई नहीं, आने वाली है, ये नाश्ता आ गया है। बहुत जल्दी जल्दी राजधानी में सफर करने का मौका मिल रहा है मुझे, आशा करती हूँ बहुत जल्द फिर से दोबारा यात्रा करूंगी। दोस्तों यहाँ का मौसम बड़ा सुहाना लग रहा है, हल्का हल्का कोहरा दिख रहा है, चलिए देखते हैं आगरा जाने के बाद वहाँ का मौसम। सुबह के 7 बज चुके हैं, आगरा पहुँचने वाले हैं 10-15 मिनट में, सुंदर से लहराते हुए खेत, ये गाय सुबह सुबह आ गई है चरने, मूंगफली के खेत भी। देखते हैं आगरा में जाके हम भी थोड़ा खेतों में घूमेंगे अपने समधी लोगों के। ये हम आगरा स्टेशन में उतर चुके हैं, ये हमारी राजधानी, अभी ये चलेगी 2 मिनट बाद। काफी पैसेंजर उतर गए हैं, ठंडी का मौसम है इसलिए भीड़ कम ही है इधर। अभी हम जाते हैं, भास्कर हमको लेने आएगा, अभी हम थोड़ी देर भास्कर का इंतजार करेंगे, देखते हैं वो कितनी देर में आएगा। भास्कर हमसे 2 दिन पहले आगरा पहुंच गया था, ये जोशी जी बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। आगरा में हम लोग पहली बार उतरे हैं, देखते हैं, बिल्कुल एयरपोर्ट नजर आ रहा है इधर मेरे को। भास्कर निकल चुका है घर से, आने वाला ही होगा, अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो हम इधर रेलवे लॉज में जाएंगे, थोड़ा अपना रूटीन करके फिर हम फ्रेश होके निकलेंगे आगे। ये हम लिफ्ट से बाहर आ गए हैं, अभी देखते हैं
रेलवे लॉज कहाँ पर है, थोड़ा आराम करेंगे वहाँ पर, चाय पानी, अपना रूटीन फ्रेश होंगे, तब तक भाषण पहुँचने वाला ही होगा। ये है रेलवे का लॉज, अब हम इसके अंदर बैठेंगे। इधर अपना क्रेडिट कार्ड चलता है, अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो फिर पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 200 रुपये है। 200 रुपये में आप कुछ भी खा सकते हैं, अपना नहाना धोना सब कुछ अंदर अवेलेबल है। थोड़ी देर इसके अंदर भास्कर का वेट करेंगे, तब तक हम चाय नाश्ता करते हैं। ये हम लॉज से बाहर निकल चुके हैं और बेटा मेरा लेने के लिए हमको आया है, सामने खड़ा है। अब हम जाएंगे आगरा सिटी की ओर। ये ठीक है, ये देखिए आगरा की भीड़। ये बेटा मेरा आ गया है हमको लेने। दर्शक बोलेंगे कि बेटा जहाँ देखो वहाँ से लेने आता है, ये मैंने बोल दिया बेटा 2 दिन पहले चला गया था। मोदी जी की तस्वीर और लहराता हुआ झंडा सामने आगरा। हेलो, अभी कितना टाइम लगेगा यहाँ से जाने में? 1.5-2 घंटे। 1.5-2 घंटा 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर है ना। अच्छा, सुंदर सरसों की खेती हो रही है यहाँ, सरसों गेहूं और आलू। वाह, हम थोड़ी गांव साइड में आ गए हैं। पहुंचने वाले ही हैं घर में। आलू यहाँ अभी 5 रुपया 6 रुपया हो रहे हैं, बम्बई में आलू 25-26 रुपया ले रहे हैं। गेहूं के खेत ईट की मिट्टी, शाम को आएंगे ये सब देखने के लिए। अभी तो हम गाड़ी से कुछ देख नहीं पा रहे, शाम को पैदल का रास्ता होगा तो घूमते घूमते आएंगे। शाम को या कल जाएंगे हम बरौली। बरौली में प्रॉपर गांव है और यहाँ सिटी में रूबी के पापा ने घर बनाया है, अभी हम सिटी में ही जा रहे हैं। ये पहुंच गए हम फ्रूट के मार्केट में, यहाँ से हम बिट्टू के लिए कुछ फ्रूट खरीदेंगे। क्या भाव में? वाले हाँ, 100 रुपये किलो है। 100 रुपये किलो 24 2 किलो करो, अच्छे देना। और अनार कैसे दिए? अनार 140 रुपये किलो। उनका भी फिक्स रेट है? फिक्स नहीं है बहन जी, आपको कम ही बता रहे हैं, वैसे तो 160 रुपये 150 रुपये बिकता है। अच्छा, बढ़िया अनार है वैसे, छोटा वाला मंगाओ सस्ता आता, मतलब नहीं आता। ये घुस गए हम अपने समदिन की गलियों में, कुछ ही देर में हम घर में पहुंच जाएंगे। छोटी रोड होने के कारण गाड़ियां 2-3 एक साथ नहीं निकल सकती हैं, धीरे धीरे एक एक करके निकलती हैं। साथ ही मैं अपने लोकल बाइक स्कूटी ये भी निकलते रहते हैं। ये हम आ गए हैं रूबी हाउस में। रूबी हाउस में डाइनिंग रूम है, ये पूरे इनके सर्विस के मेडल हैं। ठीक है, मैं देता हूँ आपको,
पूरी सजावट की। ये रूबी के पापा की फोटो है और बेटियों की एक भी नहीं है इसमें, पूरे घर में है। ये स्टोर रूम है, यहाँ सब सामान स्टोर है इनका। ये आलू के चिप्स बने हैं, ये गांव से आलू के चिप्स बन के आए हैं। गांव से बने या इधर बनाए? अच्छा इधर बनाए। अच्छा ये आलू गांव से आए और चिप्स। हाँ अच्छा ये बिट्टू का रूम है, ये हमारे बिट्टू का रूम है। ये बिट्टू के लिए हीटर लगाया है यहाँ पर। अभी हम ऊपर छत में जा रहे हैं। अच्छा अच्छा उसके ऊपर और छत है। यहाँ हमारे शमदी जी ने ट्यूशन क्लास खोली थी रिटायरमेंट के बाद। फिर आज इधर कपड़े सूख रहे हैं। ये देखो कितना बड़ा हॉल है, 19x44 फीट का ये हॉल है। ये अपनी नेवी की निशानी है झूमर। ये देखो मैंने भी बनाया है, मेरा तो पैगी है, वो पता नहीं कब खुलेगा। वो भी चूर चूर होने लग गया। ये देखो नीचे भैंस। पूरे दिल्ली के शेप में ये घर बने हैं। यहाँ पर भी एकदम छपाके। ये हाईवे है, हाईवे बनने के बाद यहाँ काफी डेवलप हो गया है। पहले हाईवे नहीं था, बता रहे हाईवे बनने के बाद इधर बहुत सारा डेवलप हो गया। अभी इधर रेट आसमान छू रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगले वीडियो में आपको ताजमहल का सुंदर नज़ारा दिखाती हूँ। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्कार और जय उत्तराखंड।